हेलो एवरीवन, मैं हूँ सौमिक और इस वीडियो पर मैं बताने वाला हूँ कि गाड़ी को चलाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ चेक करना है और एक गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले। तो अभी जो ये है मिलर टीएम मिक्सर, कॉन्क्रीट की मिक्सर। तो इसका जो ये है वो थोड़ा सा अलग है, जो दूसरा गाड़ी है वो थोड़ा सा अलग होता है। ये अशोक लेलैंड की है और जो टाटा वाला है वो थोड़ा सा अलग होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। तो अशोक लेलैंड की जो गाड़ी है इसको आपको क्या क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो होता है आपका जो बेस मतलब मेन चीज़ है वो है रेडिएटर की कूलेंट की जो पानी है वो वाला, ये वाला जो ये है कूलेंट की डब्बा और इसका जो कूलेंट है वो इतना तक है, देख सकते हैं हिल रेडिएटर इतना तक है। ये रहा मैक्सिमम, ये है मिनिमम, मतलब इसके बीच में आपका जो गेज है वो रहना पड़ेगा। और ये गया आगे वाला इंजन की, और आगे वाला इंजन के जो मोबिल है वो आपको चेक करना है। मोबिल को चेक कैसे चेक करोगे मैं बता देता हूँ। तो ये जो गाड़ी है गाड़ी के हेल्पर सेट की सामने की तरफ, हेल्पर सेट की सामने की तरफ मतलब इधर इधर वो, ये जो ये है इसका ऊपर ऐसे आप देखोगे तो ये वाला जो ये है यही है मोबिल गेज। आपको ये खींच के मोबिल चेक कर लेना है। मैंने इसको चालू कर दिया ये गाड़ी को, अभी ठीक कर नहीं दिखाएगा। और इसको आप चेक कर लेना है चालू करने से पहले, अगर चालू करने से बाद अगर आप चेक करोगे तो ठीक ठाक नहीं दिखाएगा। ये सामने वाला इंजन का जो है रेडिएटर की कूलेंट और मोबिल आपको दोनों चेक कर लेना है। और ये जो मिलर का जो सिस्टम है और पीछे वाला इंजन भी देख रहता है इसमें, ये पीछे वाला इंजन डीजल इंजन है। अच्छा, पूरा इंजन डीजल से चलता है लेकिन ये जो हंडी जो घूमने का जो पूरा प्रोसेस है उस वो प्रोसेस हाइड्रोलिक का होता है डीजल, इसलिए आपको पीछे वाला इंजन का जो मोबिल है वो भी आपको चेक कर लेना है। पीछे वाला मोबिल का जो गेज है वो इस साइड दिया है अंदर की साइड, वो आपको चेक कर लेना है एक बार। और इसका जो पूरा जो प्रोसेस है हंडी घूमने का ये हाइड्रोलिक से चलता है, मतलब इतना तक इंजन वो वाला इंजन डीजल से चलता है और इधर वाला जो हिस्सा है ये घूमने का हंडी को घूमने का ये जो टैंकी है ये हाइड्रोलिक से चलता है पूरा। तो आपको इधर ऊपर की तरफ एक हाइड्रोलिक गेज दिखाई देता है, वो भी आपको हाइड्रोलिक जो है उधर चेक करना है। इधर हाइड्रोलिक है इसलिए ये वाला कलर की दिखाई देता है, वो आपको चेक कर लेना है। और ये सब गाड़ी का जो और ये हो गया आपका। और जो दूसरा बात है ये है आपका जो गाड़ी का जो क्लच ऑयल है, क्लच ऑयल स्टीयरिंग ऑयल कहाँ रहता है कैसे चेक करना है मैं भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये रहा गाड़ी का जो क्लच ऑयल है वो है आपका ये बॉनर के नीचे, ये बॉनर को आपको खोलना होगा। तो ये बॉनर खोलने के लिए ये वाला जो लॉक है इसको खोलना होगा, घुमाना होगा। तो ऐसे करके आप लगा के इधर घुमा दोगे तो ये खुल जाएगा, इधर वाला खुल गया। और एक इधर इधर में है, इसको भी आपको खोल लेना है। आप लोग अगर स्क्रू ड्राइवर से घुमाओगे तो ये आसानी से खुल जाएगा। खोलने के बाद ये बॉनर को आपको ऊपर कर देना है। ये पूरा का पूरा मैंने खोल दिया बॉनर, ये बॉनर मैं खोल दिया। और इसका जो क्लच ऑयल है ये है इसके क्लच ऑयल क्लच के लिए, ये है क्लच ऑयल क्लच के लिए। ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम, MAX मैक्सिमम, ये है मिनिमम, मतलब ये ठीक ठाक है अभी तक ये ठीक ठाक है। इसका जो सील है वो सील अभी भी लगा हुआ है, मतलब इसका जो मतलब कभी डाला नहीं गया इसमें, पहले से ही जितना है उतना ही है, ये कम तो नहीं है। लेकिन चेक करना थोड़ा सा बीच बीच में चेक करना ज़रूरी होता है। ये जो सील है ये लगा हुआ है अभी भी। और ये जो इधर वाला जो एक टंकी आप लोग डब्बा देख रहे हो पानी का ये है वाइपर के लिए। वाइपर बोले तो जब शीशा आपका गंदा हो जाता है तब आप अंदर से पानी मार सकते हो। ये वाला जो देख रहे हैं इधर से पानी स्प्रे की तरफ शीशा में आपको पहुँचेगा, स्प्रे की तरफ प्रेशर में जाएगा। तो ये हो गया आपका क्लच ऑयल, तो मैं इसको लगा देता हूँ। ये हो गया क्लच ऑयल। और एक जो बात है वो है स्टीयरिंग ऑयल। स्टीयरिंग ऑयल मतलब ये सब जो गाड़ी है ये पावर स्टीयरिंग की गाड़ी है। ये पावर स्टीयरिंग बोले तो अगर ये स्टीयरिंग के साथ आगे वाला जो टायर है इसको आप खड़ा होकर पूरा घुमाओगे तो इधर ही कट जाएगा, क्योंकि ये पावर स्टीयरिंग है, ज़्यादा ताकत नहीं लगता है स्टीयरिंग को घुमाने के लिए। तो इसका जो स्टीयरिंग ऑयल है वो इधर है। ये रहा गाड़ी, ये रहा कूलेंट की डब्बा, कूलेंट की डब्बा। और ये है सामने की टायर, ये है हेल्पर साइड, मतलब जिस साइड हेल्पर रहता है वो हेल्पर साइड का इस साइड नीचे की तरफ एक डब्बा का देखने को आपको मिलेगा।
ये हो गया आपका स्टीयरिंग ऑयल की डब्बा, ये है मैक्सिमम, ये है मिनिमम, ये जो दो दाग देख रहे हैं आप लोग, एक होता है मैक्सिमम, ये एक होता है मिनिमम, ये भी आपको थोड़ा चेक कर लेना है बीच बीच में, मतलब कभी कभी चेक कर लेना है ये सब चीज़। तो आपको ऐसे ही चेक करना है सामने वाला इंजन का कूलेंट, आगे की कोने की तरफ जो मोबिल गेज है वो भी चेक करना है आगे वाला इंजन के लिए, और पीछे वाला इंजन का जो है उसको मोबिल चेक करना है उसका, और इधर वाला हाइड्रोलिक रेडिएटर के हाइड्रोलिक थोड़ा सा चेक कर लेना है, और क्लच ऑयल देखना है, स्टीयरिंग ऑयल देखना है, ये सब चीज़ देखना है मतलब बीच बीच में। और जो ज़रूरी चीज़ें आपको देखना है वो है गाड़ी का जो कूलेंट की है, रेडिएटर की जो कूलेंट है वो कूलेंट, और इंजन की मोबिल वो आपको भाई देखना ही है, नहीं तो अगर काम हो जाएगा तो आपका इंजन ख़राब भी हो सकता है। तो वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं क्या नया कोई वीडियो में।